इन्विटेशन का आप लोगों से मिलने के लिए आया तो एक बार दिल से लगता है और जो 3 दिन से मेरे को गुवाहाटी से काजीरंगा काजीरंगा से डिब्रूगढ़ जो लेके आए ऐसे आप लोग डैशिंग हैंडसम डायनामिक सिटी लीडर और रुपेश छेत्री सर एक बार दिल से मुझे तो 10 साल हो गया आसाम आते आते मेरे को इतना पता है आसाम वालों का दिल तो है डाउट है क्या दिल है तो दिल वाला ताली बजाओ यस हमारे जो एंटी सीटर्स है हमारे आनंदी किशोर बरुआ सर हमारे मंदिर का सत्संग वाला ताली में प्रभाव सेशन चालू करें कोई भी सेशन चालू करता हूँ एक खुशखबरी देता हूँ सही है 50 लोगों ने यह बोला है बाकी का 50 लोगों को मेरे होटल में बुला के बता दे देगा सबको चाहिए ये वहां का जो अगला ब्रेक है दो बजे होगा चलेगा और एक बात क्लियर करना चाहता देखिए मैं बॉम्बे से हूँ बॉम्बे वाली हिंदी बोलता हूँ थोड़ा अलग टाइप की हिंदी होती है बॉम्बे वालों को थोड़ा एडजस्ट कर लेना हिंदी बहुत टाइप से बोली जाती है बॉम्बे वाली सबसे अलग हिंदी होती है आरे लाइक क्या तो आरे का मतलब है आ रहा है क्या जा रहे है क्या मतलब जा रहा है क्या खा रहे है क्या मतलब खा रहा है क्या बॉम्बे की नॉर्मल हिंदी खा रहा है क्या बॉम्बे की हिंदी खा रहे है क्या उससे हिंदी होगी वो 3 साल हो गए बॉम्बे में तो कुछ वर्ड बॉम्बे वाले मेरे भी हिंदी में आ गए जिसका बाई डिफॉल्ट मेरे मुंह से निकलता रहता है पूछेगा चलेगा क्या अब इसको भी नहीं पता क्या पूछ रहा है क्या चलेगा नहीं चलेगा मालूम नहीं आदत पड़ गया चलेगा क्या चलेगा क्या मेरा भी आदत पड़ गया चलेगा क्या आप पर मैं 2 बार बोल चुका हूँ चलेगा क्या और अभी बहुत बार बोलूंगा बाई डिफॉल्ट और जब जब मैं बाई डिफॉल्ट चलेगा पूछूंगा आपसे चलेगा क्या आप लोग क्या जवाब देगा क्योंकि आप तक चलेगा नहीं आप सब ओहो सब पूछ रहा है एक बोलेगा यस एक बोलेगा नो कुछ भी नहीं एक ही जवाब फॉर्मेलिटी वाला यस पूरे हॉल में माइक किसके पास है वो किसका चलेगा आया समझ में कुछ लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया और डीप में जाके समझाना पड़ेगा इस पूरे हॉल में माय लेफ्ट का वाइस प्रेसिडेंट कौन है वो किसका चलेगा और इसके बाद भी समझ नहीं आया तो आईडी ब्लॉक करेगा भ्रमण समझ में आएगा ये मैटर को क्लियर हो गया ये सब मैं एक एक करके हर मीटिंग में पहले क्लियर कर देता हूँ आपको खुशखबरी दे दिया खुशखबरी देना जरूर जरूरी होता आधे घंटे के बाद कुछ लोग सोचेगा ये कब मिलेगा हम कब मिलेगा 2 बजे से पहले कोई नहीं मिलेगा आप जो मिलेगा मैं भी मिलेगा अब मैं आप लोगों से ना कुछ क्वेश्चन पूछूंगा ईमानदारी से जवाब दोगे जितने लोगों ने ये बोला ये 100% ईमानदार है पर जिन्होंने मुंह नहीं खोला इनको भी मैं ईमानदार ही मान रहा हूँ क्योंकि सवेरे की फ्लाइट बॉम्बे भी जाना है मेरा फर्स्ट क्वेश्चन सब लोगों के लिए
यहाँ पे कितना लोग हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे, डिस्ट्रीब्यूटर मतलब होता है टीम कोऑर्डिनेटर नहीं बना, कितना लोग हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर है पर टीम कोऑर्डिनेटर नहीं बना। ठीक है, और कितना लोग है जितना रैंक होल्डर है, टीसीए टीसीजेड टीसीडीडी जो भी रैंक होल्डर माइलेज। ठीक है, जिन्होंने दोनों सवाल पे हाथ में उठाया है ये कौन सा वैरायटी है? ये मैं बता दूं कौन सा वैरायटी है, ये कि सवाल तक आज जबरदस्ती लाया हुआ वैरायटी। इसको इसके सीनियर ने धमकी दे के प्यार से रिक्वेस्ट से कुछ भी बोल के यहाँ तक लाया है, और ये भी प्रेशर में आया है और पूरे गुस्से में बैठा हुआ है, ला के इधर बिठा दिया है, पता है क्या प्रकार सुनना पड़ेगा, कब जाके घर जाऊंगा, कब खाना मिलेगा, गुस्से में बैठा हुआ। ये जो गुस्से में ये सोच के बैठा हुआ है कि पूरा टाइम कुछ भी सुना देना, मैं भी इतना गुस्से में हूँ कि कभी भी पूछेगा हाथ उठाने का हाथ नहीं उठाऊंगा, ये इनका गुस्सा दिखा दिया तरीके, और ये जबरदस्ती वाला हर एक मीटिंग में मिलेगा, हर एक मीटिंग में मिलेगा। और मेरे को ये जबरदस्ती वाला पैसा ना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी मीटिंग में जाता हूँ इस टाइप के सवाल पूछ के मैं पता करता हूँ, तो मेरे को ये जानने में इतना इंटरेस्ट नहीं है कि कितना डिस्ट्रीब्यूटर कितना रैंक होल्डर, मेरे को ये जानने में इंटरेस्ट है किसने हाथ नहीं उठाया। जिसने हाथ नहीं उठाया जबरदस्ती वाला, अब इसको क्यों पहचाना मेरे को, क्योंकि मेरे को पता है जब तक मैं शांत करके माइक पे हाथ पकड़ के बात करेगा ना, पूरे हॉल में जो सबसे ज्यादा घूर घूर के मेरे को देखेगा वो ये जबरदस्ती वाला वैरायटी देखने वाला, ओहो ये है क्या भाई प्रेजेंट, इन्हीं के लिए सैटरडे को बुलाया क्या, इन्हीं के लिए इतना प्रेशर दे रहा था क्या? हाँ नहीं है। अब आप लोग घूर घूर देखो मेरे को, जिसको भी देखने का मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, 19 साल के लोग मेरे को घूर घूर के देख रहा है, आदत पड़ गया मेरा। और जितना भी लोग घूर घूर के देखेगा आप लोग भूलना मत, ऊपर वाले ने दो हाथ मेरे को भी दिया है, भले थोड़ा अंधेरे में बैठा है पर मैं भी डबल घूर घूर के वापस देखूंगा, चलेगा? चलाना पड़ेगा, इतना जोर से बोलने का जरूरत नहीं है, और मेरे भी तो जवाब दो, तुम्हारा चलेगा ही नहीं। दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे कितना ऐसा लोग है जो फुल टाइम माई लाइफ स्टाइल करता है एज ए कैरियर, फुल टाइम माई लाइफ स्टाइल। ठीक है, कितना लोग है पार्ट टाइम माइलेज फिल करता है? ठीक है, जिन्होंने दोनों सवाल में हाथ उठाया वो था गुस्से वाला, हाथ नहीं उठाएगा, कसम खा के आया, कुछ भी पूछ लो कोई हाथ नहीं उठाएगा। कितना लोग जॉब करता है, नौकरी एक मैडम करता बाकी सब क्या बेरोजगार है? कितना लोग नौकरी करता है? कितना लोग बिजनेस करता है? और जितना आदमी लोग बैठे 40-40 साल का हो गया तो दोनों से हाथ उठा, तुम लोग क्या करते हैं? इस बात में भी हाथ नहीं उठाता है, सुबह जाता है रात को आता है कमा के आता है, हाथ उठाने में डर लगता है। तो देखिए कितना लोग इस हॉल में सक्सेसफुल होना चाहता है माय लाइफ में, सक्सेसफुल होने का मतलब करोड़पति, कितना लोग बनना चाहता है? सब बनना चाहता है ना? हाथ नीचे कर लो, इसमें जितना डिस्ट्रीब्यूटर लोग है, अब देखो जिसने अभी तक हाथ नहीं उठाया जबरदस्ती वाला करोड़पति के नाम पे ये भी हाथ उठा रहे हैं। जितना लोगों ने हाथ उठाया डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे टीसी लेवल पे एपीसी लेवल पे मेरे को सक्सेसफुल बनना है करोड़पति बनना है, मैं आपको आगे की स्टोरी बताता हूँ होने वाला क्या है, 4-6 महीने के बाद 1 साल के अंदर सक्सेसफुल बनना है बोलते बोलते बिजनेस से निकल जाएगा तुम, ये होने वाला सक्सेसफुल नहीं बनेगा उसे मेरे थोड़ा सा चला जाएगा, मानता है आप लोग इस बात को? यस, मैं बताता हूँ आपको कैसे होता है। देखिए सबसे पहले इस बिजनेस में आपका एंट्री हुआ है जबरदस्ती, आप लोग को जबरदस्ती गर्दन पकड़ के कुछ ना कुछ तरीके से उठा के इस बिजनेस में किसी ना किसी ने डाला है, कोई भी इस बिजनेस में दिल से आया है क्या ढूंढता हुआ? अरे दिब्रुगढ़ वालों
तुम लोग यस बोलते हो क्या? एक बार यस बोल के दिखाओ तो। ये 15 लोग यस बोल रहा, सब यस बोल के दिखाओ। एक बार और बोल के दिखाओ। यस तो बोलता है तुम लोग। तो जब जब बोलूंगा यस बोलना, ठीक है? क्योंकि सक्सेसफुल बनना है ना, थोड़ा सा बातचीत भी तो करना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले एंट्री गलत होता है। अभी एक सर ने हाथ उठाया कि मैं जबरदस्ती नहीं आया। और आप बताओ सर, ऐसा था क्या कि आप गली गली घूम रहा था पैसा लेके? कोई डायरेक्शन नहीं करता है क्या? तू माइलेज कल करता है क्या? तू भी नहीं करता क्या? तू किसको जानता है जो माइलेज कल करता? नहीं नहीं जानता। फिर किसी को पूछता माइलेज कल माइलेज कल माइलेज कल, फिर ऊपर वाले को पास करता है। प्लीज 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 एक माइलेज कल वाले को सक्सेसफुल बनना है। आपने ऐसा किया क्या? नहीं करना पड़ा। किसी को बहुत ज्यादा करना पड़ता है, किसी को कम करना पड़ता है, कभी सबको करना पड़ता है, उसके बाकी बिजनेस था। आज तो मैंने आपको बताया कि आप लोग का सक्सेसफुल बनना बहुत मुश्किल है, उसके पीछे कारण है, वो मैं आपको समझाऊंगा। और अगर आप ये सब कारण समझ गया और इसका इलाज कर लिया, तब जाके सक्सेसफुल बने। आज की डेट की पोजिशन ये है कि आप सक्सेसफुल बनना चाहता है, बनने का चांस बहुत कम है, क्योंकि इस वक्त में कोई भी ऐसा नहीं है जिसको पैसे का जरूरत नहीं है। एग्रीड? यस। सबको पैसे का जरूरत है? यस। और माइलेज पैसा देता है ये भी मालूम है? यस। उसके बावजूद इस बिजनेस में पैसा चाहिए और उसके बावजूद इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने का आपका चांस 1-2% ही है। तो उसके पीछे क्या रीजन है कि मैं आज इतना ठोक के बोलता हूँ? 90% लोग डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे 6 महीने पर मैनेजर में नहीं रहेगा। आज की पोजीशन है इसको पैसा चाहिए। आज की पोजीशन है बिजनेस में मैनेजर में लोग पैसा कमाते देख रहा है, उसको वो सब चाहिए। फिर भी 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद, 3 हफ्ते के बाद, 3 महीने के बाद बिजनेस छोड़ के चला जाए। तो इसके पीछे क्या रीजन है? और ये रीजन जो मैं आपको बताऊंगा, अगर आप इसको समझ के इसके ऊपर कुछ चेंजेस कर दिया, फिर मैं आपको बोल सकता हूँ वाकई आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल होगा। क्योंकि एक चीज को आप समझ लो, इस इंडस्ट्री में और माइलेज टेल में लाखों लोग ज्वाइन करता है, करता है ना? यस यस। कोई भी एक आदमी जो बोलता है मेरे को पैसे की जरूरत नहीं है, लाखों के लाखों लोग जो ज्वाइन करते हैं सबको पैसे की जरूरत है। यस। और माइलेज टेल के अंदर ज्वाइन करेगा तो उसको गारंटी है कि पैसा आता है। अब पैसे का जरूरत है, पैसा आता है और इसको भी पैसे कमाने हैं, उसके बावजूद हजारों लोग ही सक्सेसफुल हो पाते हैं लाखों में से, बाकी के सब के सब धीरे 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 करके बिजनेस को छोड़ देते हैं। कोई डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे छोड़ देता है, कोई डीसी लेवल पे छोड़ देता है, कोई एडीसी लेवल पे छोड़ देगा, कोई बीडीसी लेवल पे छोड़ देगा, सब कुछ होते हुए भी सब कुछ चाहने के बाद भी छोड़ देगा। ऐसा क्यों होता है? तो उसके बस थोड़ा सोच विचार करें। yes. ये इधर से स्लाइड आगे पीछे हो रहा है, उधर नहीं हो रहा है, इधर गुस्से में आया हुआ है। आपका सक्सेसफुल होना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है माइलेज ट्रेन में। आपको पैसे का जरूरत है, आपको सक्सेस का जरूरत है, सब कुछ जरूरत है और माइलेज ट्रेन सब कुछ दे सकता है। उसके बाद ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क ये है कि 99% इस बात में जो बैठा है वो सक्सेसफुल नहीं होगा। तो हम इसके कारण भी पीछे चलते हैं, क्यों ऐसा होता है। सबसे पहले हमारा माइंडसेट जो होता है ना, वो रॉन्ग है, गलत है। क्योंकि एक तो हम जबरदस्ती आए बिजनेस में, हम आना नहीं चाहते थे, हम जबरदस्ती आए। तो मेरा जो माइंडसेट है प्लान दिखाते टाइम ही, जब मेरे को कन्विंस किया जा रहा था वहीं से मेरा माइंडसेट, जिसने भी प्लान दिखाया उसने गलत कर दिया। तो माइंडसेट कैसे गलत होता है? अभी आपने प्लान देखा होगा या जो भी प्लान इधर दिखाते हैं, जो भी किसी को 1-to-1 दिखाते हैं, वहीं पे सब गड़बड़ होना चालू हो जाता है।
तो जैसे आप लोगों को उत्तम खेतिया सर का मर्सिडीज दिखाया गया होगा, प्लान दिखाते टाइम दिखाया कि नहीं दिखाया? अरे दिखाया तो यस बोलो, नहीं दिखाया तो भी यस बोलो। तो उत्तम सर का मर्सिडीज, विद्युपन्ना गाड़ी, फिर इसका बंगला, उसका 2,10,000, इसका टीवीएस, ये सब दिखाया। और ये देखने के बाद ही आप ज्वाइन हुआ है, बात सही है कि नहीं है? Yes. तो जब आपको ये सब दिखाया जा रहा था, ये बोल रहा था ये सब आ सकता है, ये सब आ सकता है, ये सब तेरे को भी आएगा, तेरे को भी आएगा, ये लोग इतना बताएगा कि तेरे को आएगा। अब आपको लगता है कि बस बिजनेस ज्वाइन करने का देर है और 6 महीने के अंदर मर्सिडीज खड़ा होगा, क्योंकि इस तरीके से बताया। अब आप आया बिजनेस में, आपके दिमाग में चल रहा है मर्सिडीज 6 महीने में 2,10,000 2 महीने आराम से आएगा, और 1 महीना 2 महीने में आपको पता चल जाता है मर्सिडीज छोड़ो, जो मेरा टू व्हीलर है इसमें पेट्रोल डालने का भी इधर से पैसा आ गया तो भी बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो दिखाया कुछ और दिखाई कुछ और दे रहा है, नेगेटिव होगा कि नहीं होगा? Yes. तो कुछ लोग इसके पीछे छोड़ के चले जाते, कुछ भी बोलते हैं ऐसा होता ही नहीं है, जबकि हुआ है, मर्सिडीज तो सच्ची है। आपको क्या लगता है जो उत्तम भाई मर्सिडीज लेके आता दिखाने के लिए, तो किराए में लेके आता है क्या उस दिन के लिए? नहीं, उसने खरीदा है 2,10,000 आपको बिल प्रूफ दिखता है, बैंक स्टेटमेंट आपने चेक कर लिए, सबके घर पे जाके भी चेक कर लिया, नाम इसी का है कि नहीं है, घर पे किराए में रहकर बोल तो नहीं रहा मेरा घर, सब कुछ चेक कर लिया आपने। आपकी क्या माइंड सेट गलत है, लोगों ने ये सब लिया है, आपको लगता है कि मैं जल्दी इसमें पैसा कमा पाऊंगा, जो कि होता नहीं। आपको दिखाया नहीं है कि आ जाएगा, ये आया है लोगों पर, आने के लिए बहुत टाइम लगा है, बहुत मेहनत किया है, 5-10 साल लिया उसके बाद आया है। वहां पे नेगेटिव आदमी होगा कि नहीं होगा? उसको मर्सिडीज चाहिए, पेट्रोल का पैसा नहीं आ। फिर ज्वाइन जो करवाते हैं तो 1-2 मंथ देते, वो इतना जोर देते हैं ज्वाइनिंग के ऊपर, इसको बोलेंगे ये सुन, देखो क्या 2 आदमी भी नहीं मिल सकता ये बिजनेस के लिए? तो बोले नहीं मिल सकता, तो इसको समझाएगा वो, मरने के बाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा 4 आदमी तेरे को? ये बोलेगा मिलेगा, तो जिंदगी नहीं मिलेगा? फिर बोलता बात तो सही है, दो तो मिल सकता है मरने के बाद 4, अब जिंदा तो 2 मिलेगा आ जा। फिर इसको समझाता है वो कुछ नहीं करना है 2 आदमी के लिए, तू सिर्फ दिखा देना, सारा काम हमारा बिजनेस दिखा दिखा, ज्वाइन करवाने का काम हमारा, तो सिर्फ लिस्ट बना हमको दिखा, तू कुछ मत बोल, हम सब देख लेगा। और होता क्या है बिजनेस आने के बाद, ये जो आपको बोलता है मैं सब देख लूंगा, ये खुद ही दिखाई नहीं देता, होता है कि नहीं होता ये सब? तो ये सारी गड़बड़ जब होती है तो आदमी सबसे पहले होता है हटा ये बिजनेस मेरे लिए है, ये बोलता है मरने के बाद 4 मिलेगा, बीते दिन 2 मिलता है कि नहीं मिलता, ज्वाइन होने के बाद पता चल जाता है जब तक जिंदा है ये बिजनेस के लिए 2 नहीं मिलने वाला, मरने के बाद 4 पक्का मिलेगा, ये समझ में आ जाता है, सब कुछ छोड़ के चला जाता है। हमारा माइंडसेट गलत हुआ कि नहीं हुआ? Yes. अब देखिए ये जो बिजनेस दिखाते हैं ना, इनका भी गलती नहीं, ये सब आपको पहले ही बता देगा 10 साल लगेगा मर्सिडीज आने में, तो आप लगेगा भाग देते 10 साल, तो इनको उस तरह से दिखाना पड़ता है। अब हम वो सब देख के इतना है, अब आने के बाद पता चलता है अरे बाप रे यहाँ तो बहुत मुश्किल है, 2 आदमी भी नहीं आता है, ये लोग पता नहीं ऐसा कैसे कर लेता है, 2,10,000 छोड़ो 210 भी नहीं आ रहा इधर, और ये सब सोच के मैक्सिमम लोग छोड़ के चला जाता है। क्यों? रॉन्ग माइंड है, दिखाया भी रॉन्ग, डिमांड भी रॉन्ग, और इंडस्ट्री भी रॉन्ग तरीके से दिख रही है। यहाँ तक आप लोग मेरे साथ में हैं? पर मैं आपको बताता हूँ, देखिए आज आप लोग बोले नए हो इस बिजनेस में, 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, जितना भी टाइम हुआ, सिर्फ किस्मत वाले जो होते हैं ना उन्हीं को डायरेक्ट सेलिंग मिलती है, आप मान के ले लो इस बात को। ये बात आपको आज समझ में नहीं आएगी, ये उस दिन समझ में आएगी जब आपके घर में मर्सिडीज खड़ी होगी, ये उस दिन समझ में आएगी जिस दिन आपके पास बैंक बैलेंस होगा, ये उस दिन समझ में आएगी जब आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, तब आप बोलोगे ऊपर वाले ने कहीं ना कहीं मेरे पर मेहरबानी करी कि मेरे को डायरेक्ट सेलिंग दिखाया। तो किस्मत चेंज करना है, जिंदगी चेंज करनी है, मिडिल क्लास आदमी के पास कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता ऊपर वाले ने दिया है, वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। आज आपकी किस्मत ही समझ लो कि आप इंडस्ट्री में आए। और देखिए मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, आपकी लाइफ में जितने भी काम आज तक हुए हैं ना, कहीं ना कहीं ऊपर वाला चाहता है तो ही होता है, मानते हैं आप लोग इस बात को? तो मेरी लाइफ में जो भी होता है ऊपर वाले की मर्जी से होता है,
और जो भी ऊपर वाला करेगा मेरे अच्छे के लिए ही करेगा, क्योंकि मैं डेली नारियल फोड़ता हूँ। आपका विश्वास है कि नहीं है ये? तो आपकी लाइफ में अगर सारे काम ऊपर वाले की मर्जी से होता है तो आप जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया, आप आना नहीं चाहता था, तो ऊपर वाले ने बोला इसकी किस्मत अच्छी है, पर बेवकूफ समझ नहीं रहा, उसने एक आदमी को भेजा जाके इसको पकड़ के डायरेक्ट सेलिंग में डाल। आप नहीं आना चाहते थे पर आप आए, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले की मर्जी है कि नहीं है? क्योंकि सारे काम ऊपर वाले की मर्जी से होते हैं। ये बिजनेस जो है डायरेक्ट सेलिंग का, इसके लिए भगवान चेंज हो गए? नहीं, वही भगवान है। आपको दिखाई नहीं दे रहा कि ये बिजनेस क्यों आया है, पर ये उसकी मर्जी है, बिजनेस में जा खुद करके अपनी फैमिली के लिए कर लो। आज आपकी किस्मत थी कोई आया और आपको दिखाया और आपके पीछे पड़ के बिजनेस में उसने डाल दिया। तो किस्मत वालों को ही माइलेट है, किस्मत वालों को ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मिलती है। आपको भरोसा नहीं होगा, पर अगर आप तालुकदार जी से पूछिए अगर ये डायरेक्ट सेलिंग में नहीं होते तो आज क्या कर रहे हो? 10-20-25-50 हजार की नौकरी करके लाइफ निकाल के निकल जाते धरती से, लाइफ में कुछ अलग से होने वाला नहीं था, पर किस्मत थी, किसने किसी ने जबरदस्ती इनको डाला और डालने वाले ने अलग काम किया। आज लाइफ 360 डिग्री चेंज हो गई, घर पे ऑडी खड़ी है, अपना मकान है, होटल बनाने की प्लानिंग है, ये सारे काम डायरेक्ट चली किस्मत है, तभी तो हो रहा है ना। तो मेरी किस्मत अच्छी थी, मेरे को डायरेक्ट सेलिंग मिली, ये पहली चीज जो ऊपर वाले ने करके दी। अब ऊपर वाले ने मेरे कर्मों का हिसाब लगाया, यार किस्मत तो अच्छी है, इसके कर्म कैसे हैं? तो ऊपर वाले ने कहा यार कर्म तो ठीक ठाक है, तो कर्म ठीक ठाक है, इसको क्या करना चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग में डालो, पर कर्म अच्छे है इसके लिए इसको सबसे अच्छी कंपनी में डालो। माय लाइफ है, सोच के देखो कितनी कंपनियां हैं आसाम में। आप माय लाइफ स्टाइल में क्यों आए? कोई ना कोई कारण होगा कि नहीं होगा? यस। तो आज आपके कर्म अच्छे थे इसीलिए आपको माइलेज टाइम वाला मिला जिसने आपको माइलेज टाइम में डाला। ये सब इत्तेफाक है क्या? नहीं, कोई ना कोई कारण है। लाइफ में मेरे हर एक चीज के पीछे कारण है, तो माइलेज टाइम आना भी एक कारण है, डायरेक्ट सेलिंग आना भी एक कारण है। और मैं आपको बता दूं आपके कर्म बहुत ही अच्छे थे कि माइलेज टाइम के अंदर बहुत सारी टीमें हैं आसाम में, है कि नहीं है? Yes. और बहुत सारे लीडर है, तो आप स्पेसिफिकली इसी टीम में और इसी लीडर में क्यों आए? इसके पीछे भी ऊपर वाले की बहुत बड़ी होती है। यस। अगर मेरी बात समझ में आई तो आप लोग ताली बजा सकते हैं। तो भले आप बिजनेस में नहीं आना चाहते थे, रॉन्ग माइंडसेट से आप आए हो, पर एक चीज समझ लो कि वाकई में आपकी किस्मत अच्छी थी, आपको डायरेक्टरी मिली, आपकी आपके कर्म अच्छे थे कि आपको सिर्फ मैसेज मिली, और आपके डबल कर्म अच्छे थे कि आपको ऐसे लीडर मिले। यस यस। समझ में ये पूरा सीक्वेंस ऐसा नहीं है कि बिना लॉजिक है, इसके पीछे लॉजिक है जो आपको समझ नहीं आ रहा है। ये लॉजिक है ऊपर वाले का लॉजिक, सारे काम कुछ ना किसी कारण से करते। ये सोचो क्यों मारे स्थल आए, क्यों मैं इसी टीम में आया, क्यों आज मैं हॉल में आना भी नहीं चाहता था, मेरे को गदर पकड़ के कोई लेके आ गया, कोई ना कोई कारण तो है। यहां तक आप लोग मेरे साथ में है? क्योंकि भगवान है ना, हर एक के लिए कोई ना कोई प्लान बना के बैठा हुआ है। कितने भी लोग हैं ऊपर वाले, कोई ना कोई प्लान उसके लिए है, ये कब पैदा होगा, क्या क्या करेगा, कब ऊपर आएगा। yes. हर एक चीज का प्लान बना है कि नहीं बना है? yes. इस पूरे जो भगवान ने आपके लिए प्लान बनाया उसमें ये माइलस्टोन भी आया है। yes. यही सोच के हमको इस बिजनेस को आज के बाद से देखने का। yes. अब तक आप इस बिजनेस के बारे में क्या सोच रहे थे, आपको कैसे दिखाया गया, क्या था, वो सब छोड़ो, पर इस बात को सोचो कि ऊपर वाले ने किसी न किसी कारण से माइलेज टेल दिया है, और अब से मैं माइलेज टेल को एक दूसरे नजर से देखूंगा कि ऐसा क्या कारण है कि माइलेज टेल मेरी लाइफ में आया। आप लोग मेरे साथ में हैं? yes. तो देखिए ऊपर वाले का क्या काम हो सकता है, ऊपर वाला तुमको अच्छी इंडस्ट्री दे सकता है, तुम्हारी किस्मत अच्छी है ना। इसके बाद ऊपर वाला और प्लस क्या कर सकता है, चलो इंडस्ट्री दे दी और भी अच्छा काम कर देते, माइलेज दे देते, सबसे अच्छी कंपनी में डालते। ऊपर वाले ने वो भी कर दिया, फिर ऊपर वाले ने सोचा माइलेज में कोई इधर उधर नहीं, इसको अच्छे लीडर और अच्छी टीम में डालते हैं, तो वो भी कर दिया। तो प्रैक्टिकली जो भगवान का प्लान है आपके लिए, उसके प्लान में यहां तक लिखा है कि इसको उठा के इस टीम तक पहुंचा दो। अब इसके बाद इस बिजनेस में आपको कुछ करना है तो वो काम आपको ही करना पड़ेगा। भगवान क्या कर सकता है, इंडस्ट्री दे सकता है,
भगवान बढ़िया कंपनी दे सकता है, बढ़िया लीडर दे सकता है। अब इस इंडस्ट्री से, माइलेज से और लीडर से आपको क्या चाहिए वो डिसाइड आपको करना है, वो काम भी आपको ही करना है, ऊपर वाला कुछ नहीं करेगा, ऊपर वाले का काम खत्म। आ रहा है समझ में? यस। आपको क्या लगता है ऊपर वाला इतना मेहरबान है आपके ऊपर के फंड तुरंत भी आगे करेगा आपके लिए? नीचे बेसिक ट्रेनिंग देने के लिए ऊपर वाले नीचे आ जाओ, जब इतना क्या थोड़ा हो ना, प्लीज प्लीज मेरा कर लूंगा हिसाब लूंगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। तो आप एक बात तो समझिए कि माई लाइफ स्टाइल तक ऊपर वाला सबको ले गया है, माई लाइफ स्टाइल से किसने क्या किया ये उसके कर्म है। जो इस बात को समझ गया उसने अपनी लाइफ चेंज कर दी, और जिसको ये बात समझ में नहीं आई ऊपर वाले ने मौका दिया उसके बावजूद मौका छोड़ के चला, तो ऊपर वाला क्या कर सकता है, यहां तक लेके आ सकता है। इसके बाद आप जानो आपको अपनी लाइफ से क्या करना है। जितने लोगों ने इस चीज का मतलब समझ लिया वो लोग आज करोड़पति बन गए, सक्सेसफुल बन गए। जितने लोग नहीं समझ पाए मौका मिलने के बाद भी छोड़ के चले गए। मेरे हिसाब से डायरेक्ट चली नहीं, एक ऐसा मौका है एक मिडिल क्लास के लिए जो अपनी लाइफ चेंज करने का लाइफ चेंजिंग मौका है उसके। Yes. और ये बात अगर आपको भरोसा नहीं तो आप कहीं के पास से पूछो उनसे, तो ये लोग बताएंगे कि लाइफ चेंज हुई कि नहीं हुई, मिडिल क्लास थे कि नहीं थे, आज मिडिल क्लास होते होते कहां से कहां पहुंच गए लाइफ में, किसकी बदौलत, इस इंडस्ट्री इस कंपनी की बदौलत। अब वही चीज आपको भी मिली, अब इससे आपको क्या करना है वो आपको डिसाइड करना है। तो जैसे मैंने सबसे पहले पूछा था सक्सेसफुल होना है, आपकी आवाज पहले वाली बंदी हो गई, सक्सेसफुल होना है तो अपने पर आप ये सोचो कि क्यों माइलेज से लाया, क्या कारण है कि मैं करना नहीं चाहता था फिर भी कर रहा हूँ, आना नहीं चाहता था ट्रेनिंग में फिर भी आ रहा हूँ, कहीं ना कहीं बिजनेस लिए मेरी जगह पकड़ के मेरा ऑनलाइन देने कहीं मेरे से कुछ ना कुछ करवा रहा है, इसके पीछे क्या कारण होता है, कहीं ऊपर वाले की मदद। भगवान का काम क्या है आपको ये सब देना, भगवान आपके लिए वन टू वन आके नहीं करेगा। पैसा किसको चाहिए? अरे किसको चाहिए? बंगला किसको चाहिए? गाड़ी किसको चाहिए? सोना किसको चाहिए? तो काम भी आपको ही करना पड़ेगा, भगवान नहीं करेगा। अगर प्यास लगी है, समझ लो घोड़े को प्यास लगी है बहुत जोर से प्यास लगी, तो उसके लिए आदमी क्या कर सकता है, घोड़े को उठा के कुएं तक लेके जा सकता है जिसमें पानी है। अब प्यास अगर घोड़े को लगी तो पानी तो घोड़े को ही पीना पड़ेगा, जो लेके गया वो पानी पिएगा तो घोड़े का कुछ होने वाला है क्या? नहीं, नहीं। वही समझो आपको माइलेज टाइम मिल गया, क्या करना चाहते हो अब आपके ऊपर। अगर ये सब जरूरत आपकी है माइलेज टाइम सब जरूरत पूरी करेगी, पर काम आपको ही करना पड़ेगा। आप लोग मेरे साथ में हैं? यस।